हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गो प्रेप चैनल हाउ आर यू हेलो एवरीबॉडी होप सभी बच्चे ठीक होंगे पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से कर रहे हैं इज इट हेलो रंजू सैम अंश वंश कैसे हैं सभी बच्चे आई यू ऑल रेडी फॉर टूडे सेशन आज के सेशन के लिए सभी बच्चे तैयार हैं हेलो कासिफ हाउ आर यू डोंट फॉरगेट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब से अपनी चैनल होप आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच हेलो वर्षा हाउ आर यू सो दिस इज जोअलॉजी सक्सेस संग्राम जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एलेवेंथ के सारे टॉपिक्स सो टूडे वी आर गोइंग टू कवर कॉकरोच और कल होगा मिनटी सेशन देर विल बी अ क्विज ऑन द टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्विज होने वाला है टमोरो शार्प एट थ्री पी एम यस काफ आई एम फाइन होप यू ऑल आर ऑल्सो फाइन तो चलिए स्टार्ट करता है आज का हमारा सेशन हेलो तन्मय गुड आफ्टरनून Yes. Before starting, let me tell you: download free Go Prep app and recommend three of your friends. text is if you are preparing for need 21 don't forget to join our Step Up need 2021 batch. If you use Code YT need 2021, then you will get flat 20% of discount. And if you are in class 11th or up. नीच ट्वेंटी टू के लिए अपेयर होने वाले हो तो हमारा बैच फोर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जल्दी से ज्वाइन करो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम हेलो रितेक आई एम फाइन सो वी आर स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एनिमल टिश्यू नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर कॉक्रोच एंड टूम विल बी अंटी सेशन अज

सो इट्स टाइम टू फॉर शाउट आउट देखते हैं किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया था मेरे क्वेश्चन का इन द कमेंट सेक्शन लेट्स सो फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर किया था मेरे क्वेश्चन का वो थे यासर अंसारी देन ऋतिक राज देन जहरा शेख एंड देन जैनब सोफी सो वेरी गुड डियर स्टूडेंट आई एम वेरी ग्लैड दैट आप जो है क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करते हो कमेंट सेक्शन में जाके दिस इज रियली रियली नाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉकरोच हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच आर यू ऑल रेडी आर यू ऑल रेडी कोई बात नहीं जी तो कोई बात नहीं जब भी आपको टाइम मिले जो है आप हमारा वीडियो देख सकते हो ऑन यूट्यूब में इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल क्योंकि वी डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट कंटेंट इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन सो लेट्स सी वॉट इज कॉकरोच एंड वॉट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंड वॉट इज एनाटमी ऑफ कॉकरोच सो कॉकरोच बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा जिसको नाम दिया गया है फ्रॉम जॉइंट लेग्स उसमें ही आते हैं हमारे कॉकरोच इट बिलोंग्स टू इट बिलोंग्स टू इंसेक्टा ओके नाउ कलर ऑफ कॉकरोच विल बी ब्राइट येलो रेड ग्रीन कुछ भी कलर हो सकता है बट यूजअली जो कॉकरोच हमारे आसपास होता है इंडिया में होता है मोस्ट कॉमन कॉकरोच वेरी प्लानिट अमेरिकाना इट इज रेडिश ब्राउनिश इन कलर दे आर टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का मतलब है वो रहते हैं जमीन पे दीज आर नॉकटर्नल ओके टेरेस्ट्रियल का मतलब है दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड नॉकटर्नल का मतलब है नाइट में वो ज्यादा जो है रहना पसंद करते हैं एंड ओमनी वॉरस ऑमनी वॉरस दे कैन ईट एनी थिंग ओके सो दे लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड दे लिव इन डैम्प प्लेसेस डैम्प का मतलब है ह्यूमिड ह्यूमिड प्लेस में ये रहना पसंद करते हैं इज इट क्लियर एवरीबडी हेलो जहरा गुड आफ्टरनून डियर ट टू लाइक एंड शेयर दिस सेना है गोप्रेप नीट चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस करना है बेल आइकन ऑन द राइट हैंड साइड ओके सो नेक्स्ट लेट्समेटिक पोजिशन ऑफ कॉक्रोच सो फाइलम जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कॉक्रोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थरो आर्थरो का मतलब होता है ज्वाइंट एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स सो so, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है हमारा कॉकरोच क्लास इज इंसेक्टा सब क्लास इज टेरिगोटा पी विल बी साइलेंट ऑर्डर विल बी ऑर्थोपटेरा जेनिस इज पेरी प्लानिटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना बेसिकली पेरी प्लानिटा अमेरिकाना इज द मोस्ट कॉमन कॉकरोच जो हमारे हाउस होल्ड में मिलता है आपने देखा होगा वो जो ब्राउनिश रेडिश कलर के कॉकरोच आपके आस पास घूमते रहते हैं सो दोज आर द मोस्ट कॉमन काक्रोच दैट इज प्रेजेंट इन योर नेबरहुड एंड दैट नेम इन्स पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना हेलो आशीष गुड आफ्टरनून अंजली यस अब भी जस्ट स्टार्ट हुआ है बेटा क्लास वी हैव जस्ट स्टार्टेड आर क्लास डोंट वरी सो लेट्स मूव फॉरवर्ड सो वेन वी विल बी स्टडिंग मोरफोलोजी तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे दैट द बॉडी ऑफ काक्रोच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स दैट इज हैड थोरैक्स एंड एबडोमिन इस डायग्राम को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे आगे चल के भी सो डोंट वरी एट ऑल यानी द बॉडी ऑफ काकरोच इज डिवाइडेड इंटू हेड थोरैक्स एंड एबडोमिन थोरेसिक रीजन में देर आर लेग्स लेग्स जैसे आपने सुना हो मैंने क्या बताया इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा दैट मीन्स उनके पास होता है जॉइंट लेग्स ओके एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन रीज़न हम लोग एक एक करके पूरा डायग्राम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे हाई रिश्यू न्यू चैप्टर नहीं है बेटा दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओनली एनिमल टिश्यू खत्म हो चुका है नाउ वी विल बी स्टडिंग कॉकरोच कॉक्रोच कम्स अंडर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ दिस इज द सेम टॉपिक नेक्स्ट कॉकरोच जैसे आपने uh, कई बार देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम अ जर्मन वर्ड दैट इज कुकराचा ओके okay? कुकराचा से जो है ये टर्म डिराइव हुआ है कॉकरोच कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ऐसे एरियाज में जो थोड़ा वॉम है जो थोड़ा डैम्प है डैम मतलब ह्यूमिड है और जहाँ बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल है खाने के लिए कॉकरोच को सो येस आपने देखा होगा आपके किचन में जैसे ही लाइट्स ऑफ होता है नाइट में अगर आप कभी जाके देखना तो आपके किचन में अगर कॉकरोचेस हैं तो रात के टाइम पे वो सब बाहर आके और इधर उधर घूमने लगेंगे सो so, बेसिकली दे लव द ह्यूमिड

their narrow and flattened body is adapted to slip into narrow creeks and crevices kahin par bhi agar cracks hai damp areas hai to wahan par aapko zyada se zyada cockroach nazar aayenge okay now आप सभी ने पढ़ा होगा आप सभी ने आ, uh, सुना होगा कि कॉकरोच का अगर हेड भी कट कर दिया जाए तो भी वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर पाता है इज इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कॉकरोच तो ऐसा क्यों है मतलब एक वीक तक सर्वाइव कर सकता है कॉकरोच अगर उसका हेड भी कट कर दिया जाए तो सो दिस इज बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कभी कई बार बच्चे जो है मुझसे पूछते हैं सो इट इज बिकॉज कैन एनी बडी टेल मी जो भी अटेंड कर रहे हैं क्लास क्या कोई मुझे बता सकता है कि कैसे कॉकरोच जो है वो एक हफ्ते से ज्यादा सर्वाइव कर सकता है अगर उनका हेड कट कर दिया जाएगा ना उसका आंसर है बेटा कॉकरोच रस्पायर बाय स्पाइरेकल्स स्पाइरेकल्स आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द थ्रेसिक अंदर एबडोमिनल रीजन तो ये छोटे चुछ छोटे ओपनिंग्स जिसे बोला जाता है स्पाइरेकल्स वहाँ से इट ब्रीथ्स uh, मतलब एयर जो है इट एंटर्स थ्रू स्पाइरेकल्स एंड थ्रू ट्रैकिया इट रीचेस द टिश्यूज दैट मीन्स हेड का कोई रोल नहीं है इन ब्रीदिंग तो अगर उसका हेड कट कर दिया जाए काकरोच का हेड कट भी कर दिया जाए स्टिल देर विल नॉट बी एनीस इन द एयर सप्लाई तो ऑक्सीजन जो है मिलता रहेगा कॉकरोच को हमेशा यस कॉकरोच का बेटा दिस इज द फर्स्ट लेक्चर बट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल टिश्यू वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हेलो आशीष येस एंड ऑल्सो इट्स नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड दैट मीन्स गैंगलियन गैंगलियन का नर्वस सिस्टम का जो मेजर पार्ट है इट इज लोकेटेड इन दोरेक्स एंड एडमिनल रीजन ओके बहुत ज्यादा पार्ट हेड में नहीं होता है दैट्स वाई सो एक वीक तक ही क्यों सर्वाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन अगर हेड नहीं है वो कुछ खा पी नहीं पाएगा इस वजह से इट कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर वन और वन वीक और टू वीक्स चलिए आगे बढ़ते हैं नो आई विल बी टीचिंग ओनली कॉकरोच बिकॉज कॉकरोच विल बी आज इन नीड ओके वेरी गुड वर्षा यस सर कटने के बाद वो खा पी नहीं पाते हैं राइट एब्सल्यूटली करेक्ट अंजलि नाउ लेट्स लेट्स स्टडी द मॉर ऑफ कॉकरोच बॉडी कैसा होता है नैरो होता है इट इज इलाटेड एंड बाइलेट्रलीमेट्रिकल दिज्सोडा बाईलैट्रली सिमेट्रिकल दैट मीन्स ओनली वन प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी विल डिवाइड द बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ इज इंट इट नेक्स्ट इज कॉकरोच शोस मेटामेरिक सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन एग्जिबिट करता है आथ्रोपोडा तो अगर आपको याद है अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो कि दैट सेगमेंटेशन इज शोन बाय एनिलीडा आथ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा एनीलीडा का बात करें तो एनिलीडा शोज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा का बात करें तो आर्थ्रोपोडा शो करता है ओनली ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड कॉडेटा शो करता है इंटरनल सेगमेंटेशन तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में यस नेक्स्ट द एडल्ट कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच का जो लेंथ है इट विल बी अराउंड फोर टू फाइव सेंटीमीटर एंड विथ विल बी अराउंड टू सेंटीमीटर पेरी प्लेनेट अमेरिकाना इज द बिगेस्ट कॉक्रोच जो प्रेजेंट है अर्थ पे ना एडल्ट कॉक्रोच रेडिश ब्राउन कलर का होता है वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वी विल बी स्टडिंग अबाउट पेरी प्लैनेट अमेरिकाना और निम्फ निज निज द नि्फ इज दंग कॉक्रोच तो निम्फ जो है इट इज वाइट इन कलर और ट्रांसपेरेंट इन कलर द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिविजिबल इन टू थ्री पार्ट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था हेड थोरेक्स एंड एबडोमिन तो कॉक्रोच के बॉडी को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे वन इज हेड वन इज थोरैक्स एंड अनदर वन इज एबडोम यस शादाब राइट निम्फ प्रार्थना निम्फ इज द यंग वंस ऑफ कॉक्रोच ओके आफ्टर निम्फ कन्वर्ट्स इनटू एडल्ट कॉकरोच एडल्टक्रोच नाउ द हेड ऑफ कॉकरोच लेट्स डिस्कस द हेड हेड ऑफ ऑफ कॉकरोच कॉकरोच सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के कॉम्बिनेशन से बना होता है हेड ऑफ कॉकरोच सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से जो है बना होता है इट इज ट्राएंगुलर इन शेप ट्राइंगुलर शेप का होता है या पेयर शेप भी बोला जा सकता है इट इज कवर्ड बाय एग्जोसैलेटन इज इंट एट आपने पढ़ा होगा कि आथ्रोपोडा का एग्जोस कैलेटन इज अप ऑफ काइटिन सिमिलरली कॉकरोच का एग्जोस कैलेटिन भी बना होता है काइटिन से कैन यू टेल मी द मोनोमर यूनिट ऑफ काइटिन एनी बडी कोई मुझे मोनोमर यूनिट ऑफ काइटिन बना सकता है येस द कॉकरोच इज डांसिंग Uh, काइटेन का मोनोमर यूनिट क्या है जल्दी से बताओ काइटिन इज मेड अप ऑफ हम्म हेड इज कवर जैसे मैंने बताया उसका सिमिलरली कॉकरोच का हेड भी कवर होता है बाय काइटेनस एक्जोस कैलिटे विच इज मेड अप ऑफ सिक्स क्लेराइड्स क्लेराइड्स आर द प्लेट्स ऑफ कैल काइटिन ये छे काइटिन के प्लेट से बना होता है हेड ऑफ कॉकरोच N acetyl glucosamine. Yes, chitin is a polysaccharide and it is a polymer of N acetyl glucosamine, isn't it? Everybody, it's a polysaccharide made up of N acetyl glucosamine. Yes, Varsha. Now, head. हेड में होता है कंपाउंड आइज कंपाउंड जो कि डोर्सो लैटरली प्रेजेंट होता है डोर्सो लैट्रली का मतलब है पीछे की तरफ और साइड की तरफ ओके दे आर कंसिडर्ड एज एपेंडेज ऑफ फर्स्ट हेड सेगमेंट ये जो कंपाउंड आईज है ये जो कंपाउंड आइज है कॉकरोच का दे आर किडनी शेप्ड द टॉप ऑफ हेड बिट्वीन द टू कंपाउंड आईज इज कॉल्ड वर्टेक्स और वो हेड का पोर्शन दो आईज के बीच में उसे बोला जाता है वेक्स वी विल सी सो आई ऑफ कॉकरोच अगर हम देखेंगे तो कैन यू सी द आई ऑफ कॉक्रोच जो है इट इज मॉडिफाइड फॉर मोजैक विशन इस आई में देर आर मैनी मेनी मेनी सेगमेंट विच आर नोन एज ओमा टीडिया सो वन सेगमेंट इज नोन एज ओमा टीडिया और हर सेगमेंट अपना इमेज बनाएगा एंड दो इमेजेस आर इंटरप्रिटेड इन द ब्रेन सो कंपाउंड विजन होता है ओके इन केस ऑफ कॉकरोच कैन यू सी हियर और जैसे मैंने बताया दो आईज़ के बीच वाला जो हेड का पोर्शन है उससे बोला जाता है वर्टेक्स ओके हेलो अंजलि गुड आफ्टरनून नाउ

ऑन हेड ऑन हेड जैसे हमने देखा इन द लास्ट डाइग्राम देर इज प्रजेंस ऑफ एंटीना एंटीना प्रजेंट होता है सो एंड एट द बेस ऑफ एंटीनाट एंटीना के बेस में देर इज ऑसेलस ऑसेलस है विच इज़ अ वाइट स्पॉट वाइट स्पॉट प्रेजेंट होता है एंटीना के जस्ट बेस पे जिसे ऑसेलर स्पॉट या फेनेस्ट्रा भी बोला जाता है उससे एक्चुअली बोला जाता है रूडिमेंट्री सिंपल आई ऑफ कॉकर मीन्स वहां पर जो सेल्स होते हैं दो सेल्स आर फोटो रिसेप्टर सेल्स दो सेल्सटिव टू वर्ड्स लाइट ओके तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि दो आईज प्रेजेंट है हमारे कॉकरोच में वन इज द कंपाउंड आई वन इज द सिंपल आई दैट सिंपल आई इज एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ सिंपल आई जिसमें प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट ओके नेक्स्ट नियर द ऑसेलर स्पॉट ऑन द हेड टू एंटीनस सॉकेट आर प्रेजेंट अगेन यू कैन सी इन दिस डाइग्राम ऑसेल पास में ऑसेलर स्पॉट्स के पास में डिप्रेशन होगा फॉर एंटीना जिसमें होगा एंटीना एंटीना क्या है एंटीना इज अगेन अर्गन दैट इज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फेक्शन इट्स अर्गन ऑफ ऑल फेक्शन दैट इज फॉर स्मेल and it is also it also has tango receptors for taste that means that means antenna antenna kya kaam karta hai antenna kaam karta hai olfaction ka smell perception ka and taste perception ka okay चलो आशीष जरा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अभी हम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बाकी सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं isn't it?

ऑफ़ द प्रो मतलब नेक इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉकरोच जो कि कनेक्ट करता है हेड को और थोरेक्स को ओके थैंक्स आशीष हेलो नवाजिश वेरी गुड आफ्टरनून सो थोरेक्स में क्या होता है थोरेक्स में होता है थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स कितने लेग्स होते हैं हमारे कॉकरोच में कॉकरोच में होते हैं थ्री पेयर्स ऑफ फ्लेग्स एंड टू पेयर ऑफ विंग्स याद रखना है कॉकरोच के पास होते हैं थ्री पेयर ऑफ फ्लेक्स इन ईच सेगमेंट वन इन प्रोथोरैक्स इनदर वन इज मेटाथोर इन कॉक्रोच कहाँ प्रेजेंट होता है थोरेसिक रीजन में संजय कल होगा थ्री पी एम टॉपिक इक्चुर ऑर्गेनाइजेशन ओके नाउ दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं मैंने बताया तो एक विंग को बोला जाता है मीजोथोरेसिक विंग्स क्योंकि वो प्रेजेंट होता है इन मीजोथोरैक्स अनदर टाइप ऑफ विंग इज नोन एज मेटाथोरेसिक विंग्स वाई बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स सो दो पेयर ऑफ विंग्स किसमें होगा मीजोथोरैक्स में और मेटाथोरैक्स में दैट मीन्स प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं होते हैं सो मीजोथोरेसिक विंग्स या जिसे बोला जाता है फोर विंग्स उसे टेगमिना या इलाइट्रा भी बोला जाता है नाउ दिस इज आज इन नीट सो आई विल मार्क थ्री स्टार्स स्टार इज इट क्लियर एवरीबॉडी ध्यान रखना है जहां भी मैं स्टार मार्क करूंगी जहां भी मैं नीट लिखूंगी उसको फटाफट से आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो फोर विंग्स या मीजोथोरसिक विंग्स या टेगमिना या इलाइट्रा सो दिस विंग ये जो विंग है ये जो पेयर ऑफ विंग्स हैं ये ओपेक एंड डार्क है लेदरी है थिक है और वो कवर करते हैं हाइंड विंग्स को दैट मीन्स दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर ये उड़ने में मदद नहीं करते हैं कॉकरोच को ये सिर्फ जो हाइंड विंग्स हैं जो ट्रांसपेरेंट जो उड़ने में मदद करते हैं उन विंग्स को कवर करके प्रोटेक्ट करते हैं इज इट क्लियर नाउ हाइंड विंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज मेटाथोरेसिक विंग्स ये ट्रांसपेरेंट होता है मेम्ब्रेनस होता है और ये एक्चुअली कॉकरोच को उड़ने में मदद करता है ओके सो दे आर फोल्डेड लाइक अ फैन एंड दे आर कवर्ड बाय इलाइट्रा सो ऊपर होगा ऊपर की तरफ होगा इलाइट्रा जो कि थिक एंड लेदरी है जो प्रोटेक्शन का काम करता है और उसके नीचे होगा हाइंडविंग्स जो कि ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस है जो एक्चुअली फ्लाई करने में मदद करता है कॉकरोच को ओके यस वेरी गुड डियर। नेक्स्ट यहां पर जो है आप ध्यान से देख सकते हो अभी दिस इज दिस इज द हेड रीजन ऑफ योर कॉकरोच दिस इज एंटीना दो पेयर्स ऑफ विंग्स है थोरैक्स में वन इज चैगमिना और एलाइट्रा जिसे मीजोथोरेसिक विंग्स बोला जाता है नेक्स्ट इज हाइंड विंग्स जिसे मेटाथोरेसिक विंग्स बोला जाता है देन दिस इज एबडोम दीज आर द्री पेयर्स ऑफ लेग्स दैट आर अटैच टू दैक्स ऑफ कॉकरोच इज इट क्लियर एवरीबॉडी जल्दी से बताओ मुझे चैट में बिल्कुल चैट जो है कम नहीं होना चाहिए एकदम बने रहो मेरे साथ में विद एनर्जी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी दीज आर द पार्ट्स ऑफ लेग्स जो थ्री लेग्स हैं विच इज प्रेजेंट इन द प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स तो ये जो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं दे आर डिवाइडेड इन टू सर्टन पार्ट्स वन इज कॉक्सा

कॉकरोच के एबडोम में होगा टेन सेगमेंट्स, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है इलेवेंथ सेगमेंट ओके इलेवन सेगमेंट्स होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में बट इन एडल्ट कॉकरोच देर विल बी ओनली टेन सेगमेंट्स इन द एबडोम ना टेन्थ सेगमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल राइट यू नीट जल्दी से मार्क कर लो जल्दी से नोट्स बना लो टेंथ सेगमेंट में देर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल फिलामेंटस सेंसरी एनल सरकाय टेंथ सेगमेंट में होगा दो फिलामेंट्स जिसे बोला जाता है एनल सरकाय एंड दीज आर दीज आर एक्चुअली टेक्टाइल रिसेप्टर्स ओके ईच एनल सरकाय इज मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट्स इन मेल ओके बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और इन केस ऑफ मेल्स इन केस ऑफ मेल्स नाइन्थ सेगमेंट में एक एडिशनल एक एडिशनल जो है फिलामेंटल स्ट्रक्चर होगा जिसे बोला जाता है एनल स्टाई जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल तो आपको याद रखना है ये भी नीट में पूछा जाता है दैट एनल सरकाय एनल सरकाय विल भी प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच बट एनल स्टाइल विल बी प्रेजेंट ओनली ओनली इनकेस ऑफ मेल कॉक्रोच फीमेल कॉक्रोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होगा ओके नाउ इट फ्यूज बेटा इलेवेन सेगमेंट जो होता है एम्ब्रॉनिक स्टेज में वो फ्यूज होके बनाता है टेन्थ सेगमेंट ओके वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड मेडिकल बाइट्स सो सेक्शुअल डायमोरफिज्म इज शोन बाय कॉकरोच सेक्शुअल डायमोरफिज्म इज एक्सिबिटेड बाय कॉकरोच एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्शुअल डायमोरफिज्म सेक्शुअल डायमोरफिज्म का मतलब है दर इज डिफरेंस दर इज डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के बता सकते हो दैट दिस इज अ मेल कॉकरोच और दिस इज अ फीमेल कॉकरोच सो दिस इज अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच आ, बुक में मिलेगा बेटा बुक में मिलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में जाना है आपको लास्ट में पहले आपको फ्रॉग और वो दिखेगा hmm, दिखेगा दैट इज अर्थवॉर्म दिखेगा वहीं पर आपको जो है आगे चल के कॉकरोच दिखेगा आप पेजेस पर हटे जाओ के बिल्कुल नजर आएगा अच्छा दूसरा बात किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेल एंड फीमेल कॉकरोच को सो फीमेल कॉकरोच का एबडोम इज ब्रॉडर फीमेल कॉकरोच का एबडोम ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू मेल कॉकरोच सो ये बॉडी ऑफ कॉकर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इज कवर्ड बाय कालेटन काइटन का एक्जोसकेलेटन कवर करता है कॉकरोच का पूरा बॉडी और इट इज प्रेजेंट इन दम ऑफ प्लेट्स जिससे बोला जाता है क्या है दीज आर प्लेट्स ओके ये देखो सभी बच्चे आपको हेल्प कर रहे हैं बेटा पेज नंबर भी लिख के दे रहे हैं तो फटाफट से जो है मिल गया अंजलि वेरी गुड वेरी गुड डियर इट्स ओके तालिब कोई बात नहीं टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी बच्चे ओकेट अगर दिस इज द कॉकरोच तो ऊपर वाला uh, जो साइड है उसे बोला जाएगा डोरसल साइड एंड नीचे वाला साइड इज नोन एज वेंट्रल साइड तो डॉर्सल साइड पर जो काइटिन के प्लेट्स होंगे उन्हें बोला जाता है टर्जल प्लेट्स और वेंट्रल साइड पे जो काइटिन के प्लेट्स होंगे जो स्क्लेराइड होंगे उन्हें बोला जाता है स्टर्नल प्लेट्स और स्टर्नम टू स्क्राइड्स टू स्क आर कनेक्टेड बाय आर्थ्रोडियल आर्थरोल एक थिन होता है जो दो काइटिन के प्लेट को कनेक्ट करेगा उसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल आर्थरोडियल में वापस से बता रही हूँ मैं ध्यान देंगे सभी बच्चे डॉर्सल साइड पे जो काइटिन के प्लेट्स होंगे उन्हें बोला जाएगा टर्जल प्लेट्स और वेंट्रल साइड पे जो काइटिन के प्लेट्स होंगे उन्हें बोला जाएगा स्टर्नल प्लेट्स या स्टर्नम एंड साइड्स में जो लैटरली जो प्लेट्स होंगे काइटिन के उन्हें बोला जाएगा प्लूरा फाइन इसके अलावा दो काइटिन के प्लेट को कनेक्ट करने वाले मेम्ब्रेन को बोला जाएगा आर्थ्रोडियल मेंब्रेन यस शादा राइट मेंटीकल होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा उसमें चलिए तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच जिसमें हमने देखा हेड ऑफ कॉकरोच जिसमें हमने देखा थोरैक्स ऑफ कॉकरोच जिसमें हमने देखा एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी विल बी सीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओके चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डायस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आएगा माउथ पार्ट सो इट इंक्लूड द माउथ पार्ट इन बाइटिंग एंड चूइंग माउथ पार्ट इन डिटेल रिमेंबर डायग्राम सीआरटी ऑफ द डायजेस्टिव सिस्टम और दैट ऑफ माउथ पार्ट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बर्गर सो अ लोंग एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा माउथ पाथ्स एक लॉन्ग एलिमेंट्री केनाल एंड देर विल बी अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंस ना माउथ पाथ्स में है माउथ पाथ्स में है कटिंग एंड चूइंग टाइप के अपेंडिज जिसमें होता है लेबरम जिसे अपर लिप भी बोला जाता है देर विल बी लिबियम जिसे लोअर लिब भी बोला जाता है मैग्जिला एंड मैंडिबल मैग्जिला को अपर जॉब भी बोला जाता है एंड मैंडिबल्स को लोअर जॉब भी बोला जाता है एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोफेरिंग्स हाइपोफरिंग जिसे टंग भी बोला जाता है कॉक्रोच का सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू मार्क् कर लीजिए अपने बुक में या नोटबुक में जो भी आप फॉलो कर रहे हो

डिबल्स मैंडिबल्स हेल्प करते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग पाथ आर स्ट्रॉन्ग माउथ पाथ जो हेल्प करते हैं इन ग्राइंडिंग सो मैंडिबल्सोन एज लोअर जॉ देर इज हाइपो फेरिंग एंडो फरिंग्स को बोला जाता है टंग ऑफ कॉकरोच सो ऑल दीज माउथ पाथ आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नीट के लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डाइग्राम है सिर्फ डायग्राम देख के आपसे नाम भी पूछा जा सकता है माउथ पार्ट का सो प्लीज पे अटेंशन नाउ लेट्स मूव टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच का बात करें सो इट इज डिवाइडेड इन टू फोरगट मिड गट एंड हाइंड गट

आगे मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगी आपको सो दट यू कैन सी द एलिमेंट्री कैनाल परफेक्टली सो दिस इज वॉट दिस इज वॉट फोरगट फोरगट में होगा अमाउंट ओरल कैविटी फेर रिंग्स ईसोफेगस क्रॉप एंड गिजाज ओके देन देर विल बी देन देर विल बी मिडगढ़ मिडगढ़ पर हम आएंगे बट उससे पहले ज़रा हम फोर फोरगढ़ को डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे कैन यू सी दिस डायग्राम एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर बहुत मजाक मस्ती हो रही है चैट में सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा नीट में सो यस मेडिकल बाइज वेलकम टू दैट पॉइंट सो दिस इज द फेरिंग्स दिस इज द फेयरिंग्स ऑफ कॉकरोच These are the salivary glands. This is esophagus. Esophagus, can you see, leads to a bag like structure, a dilated bag like structure, mein hai, and that is known as crop. Crop ke that is there is a very important organ in cockroach which is known as gizzard. Is it clear till now? And after gizzard, you can see hepatic ceca and the midgut. Okay. मिड गर्ड और हाइंड गर्ड के बीच में देर विल बी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये क्या ऑर्गन्स होते हैं इस पे भी हम आएंगे बट लेटर सो अगेन दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीआरटी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दिस डायग्राम दे मोस्टली आस्क क्वेश्चन अबाउट क्रॉप गिजार्ड गिजार्टिपैटिक सीका और मालपीजियन ट्यूब्यूल मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यही चार पॉइंट से पूछे जाते हैं एग्जाम में will so will make star on crop, gizzard, hepatic ceca and malpighian tubules. Yes, I will come to stomodial wall. Don't worry, करके हम सारे इंपॉर्टेंट पार्ट का जो है फंक्शन देखेंगे एज यू कैन सी क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर गट फोर गट का लार्जेस्ट पार्ट है क्रॉप ओके क्या काम करता है क्रॉप इट एक्ट एजर्वर फॉर स्टोरिंग फूड फूड स्टोर करने का रिजर्वर फॉर स्टोरिंग फूड इज इट क्लियर नाउ नाउ क्रॉप के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है दैट इज गिजार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूल नाउ कभी कभी एग्जाम में गिजार्ड की जगह वो पूछ लेंगे आपसे प्रोवेंट्रीक्यूल सो यू शुड नो दैट गिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रीक्यूल इज इट क्लियर नाउ यस डोंट 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 रेक्टम वे कम टू दैट पॉइंट बेटा हम लोग हाइडगट का भी बात करेंगे बट बिफोर दैट डोंट फोर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक हाँ, like करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे गो nee चैनल को। सो इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ़ थिक सर्कुलर मसल्स। गिजार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें बाहर की तरफ देर विल बी थिक सर्कुलर मसल्स और अंदर की तरफ देर विल बी थिक क्यूटिकल्स जिसमें काइटिन के प्लेट होते हैं जिसे टीथ बोला जाता है तो गिजार्ड का क्या काम है गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट नीट में पूछा जाता है गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स विद द काइटन टीथ दैट इज प्रेजेंट इन साइड गिजार्ड ओके नाउ यस कमिंग टू प्रोवेंट्रिक्युलस बेटा गिजार्ड को ही बोला जाता है राइट नाउ स्टोमोडियल वॉल्व यस दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछा गया है स्टोमोडियल वॉल्व के बारे में uh, जो है क्वेश्चन so, तो जरा ध्यान देंगे सभी स्टोमोडियल वॉल्व इज अ पोस्टीरियर नैरो एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ गिजार्ड सो दिस वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन गिजार्ड एंड मिडगर्ट दैट विल प्रिवेंट दैट विल प्रीवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड सो दिस स्टोमोडियल वॉल्व इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ गिजार्ड ओके विच प्रोजेक्ट्स इन टू मिडगट एंड इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फूड के बैक फ्लो को रोकेगा ये स्टोमोडियल वॉल्व जो कि के एंड में प्रेजेंट होता है जो कि गिजाट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होता है ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉट इज हेपैटिक और गैस्ट्रिक सीक का तो हेपैटिक और गैस्ट्रिक सी का क्या है आई गेस मितेश आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट इट तो ये हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी का छ से 8 ब्लाइंड टूब्यूल ब्लाइंड टूब्यूल का मतलब है ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड तो इस तरह से ब्लाइंड टूब्यूल्स है ये 6 से 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा नीट में ओके okay? और ये कहाँ प्रेजेंट होता है इसका लोकेशन भी जरूरी है इट इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में ये कुछ छः से आठ ब्लाइंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है पैटिक सिक्का या गैस्ट्रिक सिक्का जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस इज इट क्लियर नाउ मितेश अभी समझ में आया जल्दी से बताओ मुझे क्स्ट इज मिडगट सो अगर हिपेटिक सीका एंड गैस्ट्रिक सी का क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं so, हमेशा बेटा याद रखो दिस एंटर टर्म इज रिलेटेड टू जी आई टी गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है ये जो टर्म है एंटरॉन सो मिडगट और मीज एंटरॉन और वेंट्रिक्यूल ये क्या है इट इज अ शॉर्ट ट्यूब्यूल बू लाइंड बाई ग्लैंडुलर एंडोडम मतलब इसके जो सेल्स uh, हैं वो सिक्रीट करते हैं uh, बहुत सारे सिक्रीशन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन सो लेट्स सी मिडगट एंड मीजेंटर नेक्स्ट इज या yeah, अगेन ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो मिडगट के लिए हमने देखा कि गिजार्ड और मिडगट के बीच में देर टोमोडियल वॉल्व उसके बाद हमने देखा देर इज हिपैटिक सीका जो कि करता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करेगा एंड देन देर इज मीज और मिडगट ओके इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सो मिडगट ही हमारे कॉकरोच का ट्रू स्टमक है दैट हेल्प्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीच में दैट वॉट इज द ट्रू स्टमक ऑफ कॉकरोच सो या आंसर विल बी मिडगट और मीज एंड रॉन बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ना अगेन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉकरोच

कहा से फ्रॉम हीमोलिम्फ नाउ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये कि मालपीजियन टूब्यूल रिमूव करता है योर आंसर विल बी हीमोलिम्फ व्हाट विल बी योर आंसर हीमोलिम्फ हिमोलिम्फ से वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है हमारा मालपीजियन टूब्यूल्स नाउ हिंडगट As you can see is broader than midgut or it is further dis, uh, differentiated into ileum colon and rectum now the rectum opens out through anus so you can see in this diagram there will be uh, there are three parts of our there are three parts of our hindgut one is ileum one is colon and one is rectum and then there will be anus just say the waist will be

जो कॉकरोच है दिस कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक दैट मीन्स इट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड नाउ एब्जॉर्ब्शन जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब्शन कहाँ पर होता है कॉकरोच के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो इट अकर्स इन मीजेंट रॉन सो मिडगट इज प्लेस जहाँ पर होता है एबजॉर्ब्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड केस ऑफ कॉकरोच इज इट क्लियर एवरीबॉडी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन क्या है सो दैट वॉज इट फॉर टुडे कॉकरोच में हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच नाउ नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कमेंट yes, सेक्शन में करना है तभी तो आपको मिलेगा शाउट आउट ओके सो जो बाकी का पोर्शन है कॉकरोच का दैट वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बट कल होगा मेन्टी सेशन डोंट फोरगेट टू ज्वाइन आर मेन्टी सेशन उसमें होंगे क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एट 3 पीएम ओनली ऑन गो प्रेप नीट चैनल सो देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू द यंग वन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड कॉकरोच के यंग वन को क्या बोला जाता है कैटरपिलर मैगट निम्फ और फिंगरलिंग कहाँ कहां बताओगे आप मुझे बताओगे आप ये कमेंट सेक्शन में इज इट क्लियर नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड uh, कल की क्लास का लिंक बिल्कुल मिल जाएगा बेटा अगर आपने गोपर अपनी चैनल को सब्सक्राइब किया है आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाएगा फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू कॉकरोच बिलोंग्स टू द क्लास कॉकरोच बिलोंग्स टू द क्लास कौन से क्लास से बिलोंग करता है हमारा कॉकरोच वेदर इट इज हेक्सा वेदर इट इज ए या इट इज सिफेलोपोडा तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है कॉकरोची से बताइए इज इट हेजापोडा एपोडा मिर्यापोडा और सिफेलोपोडा सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ टूडे सेशन सो यस बिफोर गोइंग यू विल बी गेटिंग अ फीडबैक फॉर्म इन आर कमेंट सेक्शन डोंट फोरगेट टू गो टू दैट लिंक एंड Uh, feed your valuable feedback. So that was it for today. That, uh, this cockroach is also running, and I will also run. So I will meet you tomorrow 3 p.m. sharp for mentee session on the topic structural organization. So that was it for today. Bye bye. Take care. Don't forget to subscribe GoPrepNi channel so that you will always be notified about our sessions. Is it clear? Bye bye and take care and happy Diwali, everybody. Keep on shopping.